मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक गार्ड कोई गेट खोल अंदर आता है और उसे एक बैग देखने को मिलता है जहां एक आदमी कुछ वायरिंग से छेड़छाड़ कर रहा होता है और गार्ड के पूछने पे वो उसे अपने टूल से मार देता है। उस आदमी का नाम पेन रहता है। उसके बाद कुछ लोगों को मीटिंग कर लिफ्ट से जाते हुए दिखाया जाता है जहां उनके लिफ्ट केबल में धमाका होता है और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है पर उसके इमरजेंसी ब्रेक के कारण वो रुक जाती। उसके बाद पुलिस वालों को आते हुए दिखाया जाता है जहां हमें दो आदमी दिखते हैं, एक का नाम जैक रहता है और दूसरे वाले का नाम हैरी रहता है और वो अपने बॉस के पास जाते हैं जहां वो उन्हें सिचुएशन समझा रहा होता है और तभी जैक कहता है कि वो हैरी के साथ जाएगा लिफ्ट में आगे बॉम्ब का जायजा लेने के लिए। उसके बाद उन दोनों को ऊपर के फ्लोर पे जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो एक स्क्रू खोलकर अंदर जाते हैं जहां दूसरे वाले लिफ्ट में हमें विलेन को दिखाया जाता है और वो लिफ्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी जैक और हैरी की आवाज सुन अलर्ट हो जाता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। वो कह रहे होते हैं धीमे आवाज में कि अगर हम उसे पैसा दे भी दें तो वो उड़ा देगा इस लिफ्ट को। उसके बाद जैक हैरी के साथ ऊपर टेरिस पे आता है और वहां से एक पुली लेके उसे लिफ्ट को कनेक्ट कर देता है पर वो विलन ऐसे ही उस लिफ्ट का ब्रेक उड़ा देता है जिससे कि वो लिफ्ट नीचे की ओर बड़ी तेजी से गिरने लगती है पर उस पुली के कारण वो एक जगह जाके रुक जाती है। और उसके बाद जैक हैरी अपने साथियों को बुलाते हैं और उस लिफ्ट को खोल सबको बाहर निकालते हैं जिसके बाद लास्ट लेडी को निकालते ही वो लिफ्ट गिर जाती है। उसके बाद जैक और चैन की सांस ले रहे होते हैं तभी जैक कहता है कि उसे कैसे पता हम लोगों को निकालने में। तब जैक कहता है वो यहीं कहीं है। उसके बाद एक आवाज सुन वो एक दूसरे लिफ्ट कॉरिडोर में एंटर करते हैं और एक लिफ्ट पे ऊपर उतरते हैं जिसमें पेन रहता है और तभी जो वो देखने जा रहे होते हैं तो पेन गन फायर करता है जिससे कि हैरी घायल हो जाता है और लिफ्ट के अंदर गिर जाता है। तभी पेन जैक को देख गन फायर करता है पर जैक साइड में खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो हैरी को अपने कब्जे में कर लिफ्ट स्टार्ट कर देता है और ये देख जैक लास्ट में लिफ्ट के अंदर चला आता है क्योंकि लिफ्ट फ्लोर में जा सकती है। तभी वो दोनों पे गन तान हैरी को अपने कब्जे में कर लेता है और बॉम्ब लगाए कहता है ये गलती मत करना। उसके बाद लिफ्ट से पेन बाहर निकलता है हैरी को साथ में लेके और वहां से भाग जाता है और जब जैक उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जैक को मेडल मिलते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उन सबको पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और फिर अगले दिन एक बस को रोकते हुए दिखाया जाता है और उस बस का ड्राइवर एक कॉफी लेने के लिए आता है जहां जैक भी रहता है और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उस ड्राइवर का नाम बॉब रहता है और वो जैक की तारीफ कर वहां से चला जाता है। और जब जैक अपनी कॉफी लेके आता है बाहर तभी उस बस में ब्लास्ट होता है और उसे जलते हुए दिखाया जाता है जहां जैक उसके पीछे भागता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है उसमें आग लगे होने के कारण। तभी वहां बगल में एक बूथ पर रिंग बज रहा होता है जिसे जैक जाके उठाता है तो हमें पता चलता है कि ये ब्लास्ट पेन ने ही किया होता है जैक को बताने के लिए और उसे वार्न करता है एक और बस के बारे में। और फिर वो उस बस का डिटेल देखकर कहता है अगर कोई पैसेंजर को तुमने निकाला तो मैं उसी समय उस बस को उड़ा दूंगा। उसके बाद उस बस को दिखाया जाता है जहां एक लड़की सैम सैम कर चिल्ला रही होती है और उस बस के पीछे भाग रही होती है। उस लड़की का नाम एनी रहता है और वो उस बस को रुकवा के चढ़ जाती है। तभी जैक को अपनी गाड़ी से उस बस के पीछे आते हुए दिखाया जाता है जहां वो बस उसे खड़ी दिखती है पर वो ड्राइवर उसे घुसने नहीं देता है और वो स्पीड कर अपनी बस को आगे बढ़ा लेता है जहां वो बस 50 क्रॉस करने पे बॉम्ब एक्टिव हो जाता है। तभी जैक एक गाड़ी रुकवाता है और उसमें बैठकर उस बस का पीछा करता है जहां उस बस के सारे लोग और एनी देख रहे होते हैं। तभी जैक उसे बस के ड्राइवर से कहता है कि इस बस में बॉम्ब है। तब वो ड्राइवर रोकने वाला रहता है तो जैक उसे रोकने के लिए मना करता है और एक फोन हैरी को कर बताता है पेन के बारे में। उसके बाद जैक उस गाड़ी से कूद कर बस में चढ़ जाता है।
उसके बाद जैक सैम को समझा रहा होता है कितने स्पीड पे रखना है। तभी एनी कहती है ये सब क्या हो रहा है। तब जैक एनी को अपना बैच दिखा के कहता है बैठने के लिए, और फिर वैसे ही एक आदमी गन लेके उठता है और बस रोकने के लिए कहता है, पर जैक कहता है ये नहीं रुकेगी और उसका गन लेने की कोशिश करता है, पर वैसे ही सैम को गोली लग जाती है। तो एनी उस बस का ड्राइविंग व्हील को संभालती है जहाँ जैक उस आदमी को पकड़ कर बांध रहा होता है, और फिर सबको बॉम्ब के बारे में बताकर शांत रहने के लिए कहता है, और ये भी कि वो रोक नहीं सकता वरना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद उनके चीफ को हेलीकॉप्टर में बैठते हुए दिखाया जाता है। दूसरी ओर पेन ये सब टीवी न्यूज पे देख रहा होता है। तभी जैक को हैरी को कॉल कर बॉम्ब की जानकारी देते हुए दिखाया जाता है, जहां हैरी को बॉम्ब का डिटेल मिलने पर उसे छेड़ने से मना करता है। और तभी एनी को रास्ते में आगे ट्रैफिक जाम दिखने को मिलता है, तो वो जैक को बुलाती है और फिर दोनों मिलकर उस ट्रैफिक से बस को निकालते हैं, जहां एक लेडी बच्चे वाले ट्रॉली में कैंस भर कर लेके आ रही होती है। वो एनी से टकरा जाती है, तो एनी डर कर कहती है कि उसने एक बच्चे को उड़ा दिया। तब जैक कहता है कि वो कैंस थे। उसके बाद पुलिस उस बस के लिए रास्ता क्लियर करती चली जाती है, और एक मोमेंट पे टर्न भी आता है जहाँ जैक के कहने पे सब लोग एक साइड हो जाते हैं, जिससे कि जब बस टर्न करे तो पलटे नहीं। और फिर टर्न लेते हुए उस बस को दिखाया जाता है जहाँ वो आधा उठ भी जाता है पर बस पलटता नहीं है। फिर वो एक फ्री हाईवे पे चले जाते हैं। दूसरी ओर हैरी पेन के बारे में पता कर रहा होता है। फिर जैक के चीफ को दिखाया जाता है जहाँ वो एक ट्रॉली लेके आता है और उन्हें उतारने को कहता है, पर जैक मना कर देता है कि वो हमें देख रहा है उन हेलीकॉप्टर की मदद से। फिर जैक को पेन का कॉल आता है जहां वो अपने रूल्स याद दिला रहा होता है। तभी जैक सैम के लिए रिक्वेस्ट कर उसे मना लेता है बाहर भेजने को। उसके बाद जैक सैम को ऑर्टिस की मदद से बाहर भेज देता है। तभी हेलेन नाम की लेडी उस मौके का फायदा उठाना चाहती है और उस ट्रॉली पे चढ़ने के लिए ट्राई करती है, पर पेन वैसे ही बस के स्टेयर फ्लोर को उड़ा देता है, जिससे कि वो बस के नीचे चली जाती है और मर जाती है। उसके बाद जैक अपने चीफ को कहता है हेलीकॉप्टर यहाँ से हटाने के लिए। उसके बाद बस में कुछ लोग एक बात को लेके लड़ने लगते हैं। तब जैक उन लोगों को शांत करता है और फिर एनी को रोते देख उसे भी शांत करता है। फिर उसके बाद जैक के चीफ को पता चलता है कि आगे ब्रिज पूरा नहीं बना है, बीच में एक गैप है, और वो ये बात जैक को बताता है। फिर सब सुन के शॉक रहते हैं। तब जैक सबको कहता है किसी चीज को टाइट से पकड़ लेने के लिए, और फिर हमें देखने को मिलता है एनी बस की स्पीड बढ़ाकर उस गैप को पार कर लेती है। तभी जैक एयरपोर्ट देख एनी को वहां ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि उन्हें और किसी ट्रैफिक का सामना न करना पड़े। तभी पेन जैक को कॉल कर कहता है बहुत अच्छी चाल है पर मुझे मेरा पैसा चाहिए। तब जैक कहता है मुझे सिर्फ बस से उतरने दो, मैं उन्हें जाके समझाता हूँ। तब पेन इस चीज के लिए मान जाता है, और फिर जैक को बस से उतर कर अपने चीफ के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो कहता है वो बहुत चालाक है, अगर हमने पैसेंजर उतारे तो वो बस ब्लास्ट कर देगा, और ये भी कहता है कि मैं बॉम्ब को डिसमेंटल करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद एनी और दूसरों की नज़र पड़ती है जहां जैक एक छोटे से व्हील पे बस के नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो पहुँच भी जाता है जहाँ वो हैरी की मदद से ट्राई कर रहा होता है उस बम को डिफ्यूज करने के लिए, पर जैक को पता चलता है कि ये बॉम्ब एंटी डिफ्यूज है। उसके बाद हैरी को उसके साथी से पता चलता है कि पेन कहाँ है, और फिर हैरी जैक को कहता है वेट करने के लिए, वो उसे पकड़ने जा रहा है, और फिर हैरी को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी कुछ टायर के टुकड़े बस के नीचे आने के कारण जैक की व्हील थोड़ा डिसबैलेंस होती है और वो बस के टायर के नीचे जाते हुए बच जाता है, पर बचने के दौरान वो बस के फ्यूल टैंक में एक टूल की मदद से छेद कर लटका हुआ रहता है। और दूसरी ओर एनी बस में लोगों को साइड में देखने के लिए बोलती है कि जैक दिखा कि नहीं, पर उन्हें जैक नहीं दिखता है। तब ऑर्टिस अपने टूल के मदद से एक बस पैनल को खोल जैक को वहां से निकाल लेता है, और फिर जैक एनी को बताता है कि फ्यूल लीक हो रहा है, और फिर अपने चीफ से फ्यूल ट्रक की डिमांड करता है।
फिर सिंसिक्ट होता है और हैरी को अपने साथियों के साथ पेन के घर में रेड करते दिखाया जाता है, जहां बॉम्ब सेट होने के कारण वहीं ब्लास्ट हो जाता है और हैरी वहीं मर जाता है। तब जैक को कॉल आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो समझ रहा होता है कि ये हैरी का कॉल है, पर कॉल पे पेन रहता है और वो हैरी के मरने का न्यूज देता है और कहता है, क्या मैंने ये सब कुछ सोचा नहीं था, और एक प्लेस का नाम लेता है जहाँ पैसे रखने हैं, पर यहाँ पेन से एक गलती हो जाती है और वो बातों ही बातों में हिंट दे देता है कि बस एनी चला रही है। और ये बात जैक नोटिस करता है जब उसकी नज़र एनी की यूनिवर्सिटी के जैकेट पर नज़र पड़ती है, और फिर जैक सबको स्ट्रेट देखने के लिए कहता है, जहाँ वो कैमरा ढूंढ रहा होता है और वो कैमरा उसे मिल भी जाता है। उसके बाद जैक के कहने पर चीफ वहाँ के न्यूज चैनल की वैन में उस कैमरे की फ्रीक्वेंसी पकड़ उस बस का फुटेज को कॉपी करवाता है, और जहाँ फ्यूल खत्म होता देख जैक चीफ से कहता है, रिकॉर्डेड हुआ टेप जल्दी से चालू करने को, पर चीफ कहता है ये बस एक ही मिनट का है। फिर जैक जोर देके कहता है चालू करने के लिए, और वो चालू कर देते हैं उस रिकॉर्डेड वीडियो को लूप में। फिर वो बस लेके आते हैं पैसेंजर को उतारने के लिए, और दूसरी ओर पेन न्यूज़ देख रहा होता है और उसे ये बात पता नहीं होती है। और धीरे धीरे सब पैसेंजर को उतारने के बाद अब सिर्फ बस में जैक एनी बसते हैं, जहाँ जैक एक पाइप लेके एक्सेलेटर पे सेट कर देता है और रस्सी से बस के स्टेयरिंग व्हील बांध कर उसे बस के नीचे वाले डोर से एनी के साथ बाहर आ जाता है, और वो बस जाके एक प्लेन से टकरा जाती है, जहाँ सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। उसके बाद चीफ वहाँ आता है और जैक से कहता है कि वो अभी पैसा मांग रहा है। तब जैक कहता है अभी उसे नहीं पता कि बस ब्लास्ट हो चुकी है, और फिर सब लोगों को पेन के बताए जगह पर दिखाया जाता है, जहां वो पैसा उसके बताए जगह पे थर कर वेट कर रहे होते हैं। पर इतने में ही पेन उसे रिकॉर्डेड वीडियो को पहचान जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है एनी जो जैक के साथ आई हुई रहती है, उसे पेन एक पुलिस की ड्रेस में आके लेके चला जाता है, ये कह के कि जैक ने कहा है आपको सेफ प्लेस पे लेके जाने के लिए। उसके बाद जैक को सबके साथ वेट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो GPS ऑन करने के लिए आता है, और फिर वो सब देखते हैं कि बैग मूव कर रहा होता है। तब जैक वहां से निकल कर भागता है और पहुंचता है एक सबवे में, जहां उसे एनी बॉम्ब के जैकेट पहनी हुई दिखती है, और पेन रिमोट लिए खड़ा रहता है और कहता है जैक को वहीं रुकने के लिए, और वो एनी को लेके वहां से चला जाता है एक मेट्रो में, और वहां से सभी लोगों को निकाल कर एनी को हैंडकफ पहना देता है। फिर जैक भी पीछे से आता है और चलते ट्रेन पे लटक जाता है और हाथ से गेट खोलकर अंदर चला जाता है। उसके बाद एनी और पेन को दिखाया जाता है, जहां पेन को सुनाई देता है कि ट्रेन के पायलट को ट्रेन वापस लाने के लिए कहा गया है, तभी पेन उसे गोली मार देता है। और जहां दूसरी ओर जैक ट्रेन के ऊपर से आ रहा होता है, वहीं जब पेन अपने मनी बैग खोलता है तो पूरा इंक उसके फेस पे और करेंसी पे लग जाता है, जिससे कि वो मनी अब कोई काम का नहीं रहता है। तब वो पागल की तरह ऊपर की ओर गोली फायरिंग करने लगता है और फिर ऊपर जाके जैक से फाइट करता है, पर एक लाइट होल्डर पे टकराने के कारण वो मर जाता है। और जैक वो रिमोट लेके एनी के पास आता है और उसके बाद हैंडकफ खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं है। तब जैक ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, पर गोली लगने के कारण सारे सिस्टम बेकार हो चुके होते हैं। तब जैक डिसाइड करता है कि वो एनी के साथ वहीं रहेगा, और जैक वहीं जाके बैठ जाता है एनी के बगल में, जहां एनी उसे गले लगाकर बैठी रहती है। उसके बाद ट्रेन सबवे से बाहर आकर रुक जाती है। उसके बाद जैक और एनी को किस करते हुए दिखाया जाता है, और मूवी का एंड हो जाता है।